Subscribe our YouTube channel and press the bell icon to never miss an update from Cgpsc e-GYAN. Visit our website visualkart.com to get complete video series. Now we will see the irrigation in Chhattisgarh. In this section, we will look about the government programs, government projects, and the schemes regarding the irrigation system in the Chhattisgarh. So first thing, dekhte hain ki in the year 2000, when Chhattisgarh was formed, then the total irrigation capacity in Chhattisgarh is 13 lakh hectare. Okay, this makes 23% of total sown area. In the year 2014-15, total irrigation capacity is increased to 19 lakh hectares, which is 31% of total sown area. Okay, this data is from economic survey, so ये authenticated data है economic survey से. बहुत सारे book में 34% 33% दिया गया है, but ये मैं आपको economic survey का data बता रहा हूँ कि जो 19 लाख hectare है वो 31% of total sown area है. ठीक है, in this total sown area the maximum irrigated district is जांजगीर चांपा. With 75% of 75% of total sown area is covered by irrigation facilities in Jhansi Chapa district. And the minimum irrigated district is 0% of total sown area. Okay. तो maximum irrigated district जो है अपना जंगल चापा है, उसके बाद फिर आपका और भी जो बहुत सारे जो district है वो mainly cover करते हैं मालदीव basin को, मतलब कि plain region हो. ठीक है, तो इसका region ये है कि जो हमारा जो 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 plain region है वो है जो आपका level surface है, जहाँ पर इरिगेशन जो प्रोजेक्ट है वो इजीली इंस्टॉल किए जाते हैं, है ना. और दूसरा है ये कि वहाँ जो सिस्टमेटिक रिवर सिस्टम जो है पहले में, जैसे जो महानदी रिवर सिस्टम की जो जो जिसके बारे में आपको बताया था, महानदी रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज, तो इसके बहुत ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटी हम वहाँ पे जो है इजिली से प्रोवाइड कर रहे हैं. कहाँ पे? महानदी बेसिन एरिया, मतलब की रायपुर, बिलासपुर और अजरगढ़ के लोग. जो नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट है, जो आपको प्लेटो और हिली रीजन है, वहां पर क्या है कि ऑब्वियसली बात है कि जो प्लेटो और हिली रीजन है वहां पर हमको इरिगेशन फैसिलिटी इंस्टॉल करने में काफी प्रॉब्लम आ रही है, इसे वहां की जो इरिगेशन कैपेसिटी है वो जो है 0% है. दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव, इसमें इरिगेशन कैपेसिटी बहुत कम है, 0%, 1%, 2%. तो जो मैक्सिमम है वो आपका सेंट्रल रीजन पे है, इसीलिए उसको बाउल ऑफ पेड भी बोला जाता है, क्योंकि सिस्टमेटिक रिवर सिस्टम है एंशिएंट टाइम से. और अभी जो गवर्नमेंट है वहां पर बहुत सारे प्रोजेक्ट भी इंस्टॉल कर रही है, ठीक है, अपनी इरिगेशन कैपेसिटी को और आगे इंक्रीज करने के लिए. तो ये था आपका मैक्सिमम और मिनिमम. उसके बाद हम देखते हैं कि मीन वाइज इरिगेटेड एरिया. ठीक है, कौन से मीडियम से सबसे ज्यादा इरिगेशन होती है? तो पहला आपका कनाल, कनाल से 55% एरिया कवर किया जाता है. सेकेंड है आपका ट्यूबवेल, इससे आपका 36% एरिया कवर किया जाता है.
थर्ड है आपका पॉन्ड, पॉन्ड से 3% एरिया कवर किया जाता है, एंड लास्ट है आपका वेल, आपका 1% एरिया कवर होता है। तो इसे भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि कनाल से कितने परसेंट एरिया कवर किया जाता है, तो कनाल से 55% है, ट्यूबवेल से 36%, पॉन्ड से 3% और वेल से आपका 1% एरिया कवर किया जाता है। मोस्ट इरिगेटेड क्रॉप कौन सा है आपका? रबी क्रॉप में है, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप दो सीजन होते हैं, रबी सीजन और खरीफ सीजन। तो कौन कौन से सीजन पे कौन कौन से फसल को सबसे ज्यादा इरिगेशन मिलती है, सबसे ज्यादा पानी मिलता है, उसके बारे में देखते हैं। मोस्ट इरिगेटेड क्रॉप इन खरीफ सीजन, इट इज राइस, एंड इन रबी सीजन इट इज ग्राम। ठीक है, खरीफ सीजन में धान को सबसे ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, और रबी सीजन में चना को सबसे ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो अभी हम जो है एक काफी शॉर्ट में देखा कि इरिगेशन सिस्टम कैसा छत्तीसगढ़ का, कितने परसेंट एरिया को कवर करती है ना, क्या क्या। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन से गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं जो इरिगेशन फैसिलिटीज को और आगे बढ़ावा दे रही है, थोड़े जो दो तीन प्रोग्राम उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट है आपका फार्मर्स प्रोग्राम गवर्नमेंट टू इंक्रीज द इरिगेशन फैसिलिटीज। फर्स्ट वन इज द फार्मर्स प्रोस्पेरिटी स्कीम, एम ऑफ दिस स्कीम इज टू इंक्रीज पैडी कल्टीवेशन दिस स्कीम इज रनिंग इन 5 डिस्ट्रिक्ट ओनली, एंड दिस डिस्ट्रिक्ट्स आर बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव एंड कबीरधाम। ओके, अंडर दिस स्कीम मॉनिटरी हेल्प हैज बीन गिवन बाय गवर्नमेंट टू द फार्मर्स टू इंस्टॉल ट्यूबवेल एंड पंप। तो जो जनरल कैटेगरी के फॉर्मर्स है उनको 25,000 दी जाती है, 25,000 दी जाती है जनरल कैटेगरीज को, फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ पंप, एंड रुपीज 43,000 इज गिवन टू एसटीएससी एंड मार्जिनलाइज्ड फॉर्मर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ पंप। ठीक है, तो ट्यूबवेल इंस्टॉल करने के लिए 25,000 दिया जाता है जनरल कैटेगरी के फॉर्मर को, एंड 43,000 रुपीज दिया जाता है एसटीएससी मार्जिनलाइज्ड फॉर्मर्स को, स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड फॉर्मर को। तो ये था आपका फार्मर्स प्रॉस्पेरिटी स्कीम। सेकेंड है आपका साकंबरी स्कीम, नाउ वी विल सी अबाउट द साकंबरी स्कीम, उसकी प्रोविजंस क्या क्या है। साकंबरी स्कीम, इसका जो एम है
is to increase the irrigation capacity by self means. To increase the irrigation capacity of the state by self means of installation of pump or well, ठीक है, या तो कुएं के माध्यम से या फिर ट्यूबवेल के माध्यम से इरिगेशन कैपेसिटी को बढ़ावा देना, यह है आपका साकंबरी स्कीम का जो मेन जो एम है वो, ठीक है। इसकी प्रोविजन क्या है, 70 गवर्नमेंट प्रोवाइड 75% ऑफ यूनिट कॉस्ट फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ पंप एंड 50% grant has been given for well, digging of well, ठीक है। तो कुएं के लिए 50% का अनुदान दिया जाता है और पंप ट्यूबवेल के लिए 75% का अनुदान दिया जाता है गवर्नमेंट के साइड से। थर्ड है आपका माइक्रो इरिगेशन स्कीम। माइक्रो इरिगेशन स्कीम क्या होता है कि ऑब्वियसली है as the name suggests कि माइक्रो इरिगेशन मतलब क्या, स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड ड्रिप इरिगेशन। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन और जो ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट जो प्रोग्राम चला रहे हैं वो होते हैं माइक्रो इरिगेशन स्कीम टू प्रमोट। एम क्या है, टू प्रमोट ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन, ठीक है। जो ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है उसमें उससे क्या होता है कि जो एफिशिएंसी है वाटर एफिशिएंसी उसको बढ़ाया जाता है, ठीक है। कम मात्रा में जो है पानी का यूज होता है इरिगेशन करने के लिए पर क्रॉप, दैट इज गवर्नमेंट। और एक ऑल्सो स्कीम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट चला रहा है, दैट इज मोर क्रॉप, मोर पर ड्रॉप मोर क्रॉप, तो उसको बढ़ावा देने के लिए आपका ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन है। इसके प्रोविजंस क्या है वो है वो देखते हैं। व्हाट इज द प्रोविजंस ऑफ दिस माइक्रो इरिगेशन स्कीम। तो अंडर दिस 60% ग्रांट हैज बीन गिवन टू स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड 40% ग्रांट has been given to others, ठीक है। Other than this small and marginalized farmer, 40% grant has been given for drip and sprinkler irrigation. तो ये आपका दो तीन irrigation जो program पे government द्वारा जो चलाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे farmers prosperity scheme, साकंबरी scheme, the micro irrigation scheme। उसके बाद दो और जैसे हैं आपका small irrigation scheme और smallest irrigation scheme। उसमें भी वही है कि 50% जो है ग्रांट दिया जाता है ट्यूबवेल के लिए एंड एक और जो है आपका पॉन्ड के लिए 40% का ग्रांट दिया जाता है जिसमें स्मॉल इरिगेशन स्कीम है उसके। तो ये था आपका इरिगेशन स्कीम का। हम देखते हैं कि वाटर प्रोजेक्ट जो मेजर वाटर प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में उसके बारे में देखते हैं। Let's see about the water projects. First है आपका महानदी हाइड्रो प्रोजेक्ट। Also known as रवि शंकर हाइड्रो प्रोजेक्ट। It includes 249,000 hectare of land. Okay, under this, इसके अंदर कौन कौन सी जो डैम है और कौन कौन से वाटर प्रोजेक्ट हैं वो उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट है आपका रुद्री पीक अफेयर। Second
this Udipik affair is constructed in 1915. ठीक है, और ये कहाँ पे है? महानदी पे है, धमतरी डिस्ट्रिक्ट पे. सेकेंड है आपका मुरुमसिल्ली, इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन 1923. ठीक है, दिस मुरुमसिल्ली डैम इज इन रिवर तिलियारी. थर्ड है आपका दुधावा डैम, दुधावा डैम हैज कंस्ट्रक्टेड इन 1962. ठीक है, इन कांकेर डिस्ट्रिक्ट एंड रिवर महानदी. एंड द फोर्थ वन इज गंगरेल डैम, इट इज कंस्ट्रक्टेड इन 1978. And this Gangrel dam is also known as Ravi Shankar dam. ठीक है, तो ये जो चार water projects हैं, वो चारों comprise, जो चारों मिलकर बनाते हैं महानदी hydro power project. ठीक है, sorry, महानदी hydro projects बनाते हैं. इस Gangrel dam पे एक और है, इस पे 10 megawatt का hydro power units install है. ठीक है, तो ये था आपका महानदी hydro project, जो कि सबसे बड़ा, it is the largest hydro project of Chhattisgarh. नेक्स्ट है आपका महानदी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट. सेकंड, तो महानदी कॉम्प्लेक्स under this it includes Sondhu dam and Sikasar dam. This Sondhu dam is in Sondhu river and the Sikasar dam is in PRE river. Okay, so this two dam is this makes Mahanadi complex project, which is constructed in 1980-81 with the help of World Bank. Okay, the World Bank ka wo monetary help provide kiya tha 1981 mein. To ye jo hai do dam bane hue the aur ye jo Mahanadi complex project ka part hai. Theek hai, third hai aapka Hasdeo Bongo project aur Mini Mata project. It has been constructed in 1961-62. This is in Hasdev River, Hasdev River, Hasdev Bongo project in Korba district. It is the largest, it is the highest and the widest dam of the Chhattisgarh. Highest. And widest dam of the Chhattisgarh, and the next, it is the first multi-purpose project. ठीक है, multi-purpose क्यों? क्योंकि ये जो है irrigation जो provide तो करती है, साथ साथ में यहाँ पे power generate भी होता है. जो hydro power project है, वो भी यहाँ पे install है, 120 megawatt का multi-purpose project. Because of here 120 megawatt of hydro power project has been installed. ठीक है, 120 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इंस्टॉल है हसदेव बांगो डैम पे. तो ये था आपका हसदेव बांगो प्रोजेक्ट, जिसको और जिसको बोला जाता है मिनी माता प्रोजेक्ट भी. ठीक है, तो ये था हसदेव बांगो प्रोजेक्ट, हाईएस्ट एंड वाइडेस्ट प्रोजेक्ट, कोरबा डिस्ट्रिक्ट में 1961-62 में बना था. एंड इट इज द फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ 120 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर यूनिट हैज बीन इंस्टॉल्ड. तो ये था आपका वाटर प्रोजेक्ट के बारे में. ठीक है, तो तीन वाटर प्रोजेक्ट के बारे में हमने पढ़ा.
Mahanadi Hydro Power Project, Mahanadi Complex Project, and third one is the Hasdeo Bamba Project. In Chhattisgarh, जो अभी तक जो टोटल कंस्ट्रक्ट हुआ है तो जो वाटर प्रोजेक्ट है उसमें आपका 8-8 मेगा प्रोजेक्ट ठीक है 35 मीडियम प्रोजेक्ट टू फोर थ्री टू स्मॉल प्रोजेक्ट और 520 इनिकट ठीक है इतने सारे जो वाटर प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट वो अभी तक के बन चुके हैं ये जो 8 मेगा प्रोजेक्ट है उसमें आपका तंदुला ठीक है तंदुला के बारे में मैं बताया था जब आपको हम जब उन लोगों ने महानदी रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि जो तंदुला रिवर के तंदुला वाटर प्रोजेक्ट है ये वन ऑफ द मेगा प्रोजेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ देन जोक जोक पे लोअर जोक है लोअर जोक के बारे में बताया था लोअर जोक डैम है ना टी उसके बाद आपके कुडार कुडार रिवर पे वीर नारायण सिंह डैम है ठीक है कुडार रिवर जो है आपका सूखा रिवर का ट्रिब्यूटरीज है फिर सिकासार खारन मनियारी हसदेव बांगो एंड महानदी तो ये आपके 8 प्रोजेक्ट हैं चंदुला जोक उदार चिकासार खारन मनियारी हसदेव बांगो है तो ये 8 मेगा प्रोजेक्ट है 35 मीडियम प्रोजेक्ट ऑलरेडी बन चुके हैं 2432 स्मॉल प्रोजेक्ट एंड 520 इंडिकेट आल्सो ये भी सारे बन चुके हैं तो ये था आपका वाटर प्रोजेक्ट के बारे में उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जो कुछ स्कीम्स है वाटर कंजर्वेशन की जो ड्रिंकिंग वाटर की गवर्नमेंट की वो उस स्कीम्स के बारे में कौन कौन सी स्कीम्स है जो गवर्नमेंट यहाँ पर चला रही है Schemes for water conservation. First है आपका hand pump scheme. This hand pump scheme मतलब कि this is in rural area to provide drinking water. रूरल एरिया पे ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के लिए हैंडपंप स्कीम चलाया जा रहा है सेकेंड है आपका टैप वाटर स्कीम टैप वाटर स्कीम प्रोवाइड किया जाता है ये भी रूरल एरिया पे ही चल रहा है ठीक है वो पंप इंस्टॉल करके एंड टंकी के माध्यम से हर एक घर पे टैप वाटर के थ्रू पानी प्रोवाइड किया जा रहा है वो है आपका टैप वाटर स्कीम थर्ड है आपका स्वजल धारा प्रोग्राम दिस इज अ कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम अंडर दिस इसमें क्या होता है कि इसमें गवर्नमेंट के साथ साथ जो वहां की जो कम्युनिटी है उनको भी थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट करना है उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के आधार पर उनको जो है ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाता है तो ये है आपका स्वच्छ जल प्रोग्राम एंड द फोर्थ वन इज वाटर कंजर्वेशन स्कीम अंडर द वाटर कंजर्वेशन स्कीम गवर्नमेंट फैसिलिटेट्स वेरियस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू द रूरल पीपल टू कंजर्वेट वाटर
तो ये जो तीन चार स्कीम्स है वो है आपका हैंड पंप स्कीम, टैप वाटर स्कीम. टैप वाटर स्कीम इज ऑल्सो नोन एज नल जल प्रदाय योजना. नल जल प्रदाय योजना एंड स्वजल धारा प्रोग्राम टू प्रोवाइड अ प्योर ड्रिंकिंग वाटर एंड द वाटर कंजर्वेशन स्कीम टू फैसिलिटेट वेरियस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू प्रमोट अ वाटर कंजर्वेशन इन रूरल एरिया. तो ये था आपका वाटर कंजर्वेशन. जो बहुत सारी जो स्कीम्स चल रही है जो गवर्नमेंट जो चला रही है वाटर कंजर्वेशन के लिए और जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए उनके उसके बारे में. तो अभी तक हम जो इरीगेशन में देखा कि जो इरीगेशन कैपेसिटीज के बारे में, ठीक है, इरीगेशन प्रोग्राम्स के बारे में, वाटर प्रोजेक्ट्स के बारे में एंड कुछ स्कीम्स के बारे में. तो ये सेक्शन जो रिवर सिस्टम का था और इरीगेशन का था वो यहीं पर खत्म होता है. तो ये जो सारे चीजें हैं वो आपके हिंदी में भी हमारे पास वीडियो अवेलेबल है. वो आप visualkart.com पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं. ये जो सारे हैं वो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए. तो हिंदी मीडियम में भी सारे वीडियोस बन चुके हैं, वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे फॉरेस्ट के बारे में, टोटल फॉरेस्ट एरिया क्या है एंड फॉरेस्ट का डिवीजन क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पे हुआ है. यहाँ के नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड द बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड उसके बाद फिर फॉरेस्ट बेस्ट इंडस्ट्रीज, तो ये सब के बारे में हम इस सेशन में देखेंगे. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि टोटल फॉरेस्ट एरिया छत्तीसगढ़ में कितना है. तो आपका जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है वो है आपका 59,772 स्क्वायर किलोमीटर. ये जो है आपका टोटल फॉरेस्ट एरिया है छत्तीसगढ़ का, विच इज 44% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़. ओके, एंड 7.96% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ द नेशंस. तो ये जो 59,772 स्क्वायर किलोमीटर है वो आपका 44% एरिया कवर करता है छत्तीसगढ़ का. ठीक है, एंड और जो जितने भी फॉरेस्ट एरिया है इंडिया पे उसका 7.96% एरिया फॉरेस्ट एरिया जो है छत्तीसगढ़ पे. दिस 59,772 स्क्वायर किलोमीटर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट एज द फॉरेस्ट कवर एंड द ट्री कवर. ठीक है, तो इस पे जो फॉरेस्ट कवर है वो है आपका 55,621 स्क्वायर किलोमीटर, ये आपका फॉरेस्ट कवर है. ठीक है, और इसमें जो ट्री कवर है वो है आपका 3,663 स्क्वायर किलोमीटर आपका ट्री कवर है. ठीक है, इन दिस 55,621 स्क्वायर किलोमीटर व्हिच इज द फॉरेस्ट कवर ऑफ द फॉरेस्ट एरिया ऑफ द छत्तीसगढ़, 41.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ स्टेट. This one is the 41.4% of the total area of the state, and this is 7.46 of the total forest area of a nation. So ये है आपका forest area. ठीक है, जो forest area वो कितना percent part है छत्तीसगढ़ के total area का, कितना percent part है total forest area का India के, and उसके बाद next thing है वह per capita forest area is 2.31 hectare. ये question पूछ सकता है कि पर कैपिटा फॉरेस्ट एरिया कितना छत्तीसगढ़ का, तो है आपका 2.31 हेक्टेयर. नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉरेस्ट. इसके बारे में आपको एक चीज और बताता हूँ कि जो मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट का है. तो आपका मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया है सरगुजा डिस्ट्रिक्ट का, और जो मिनिमम फॉरेस्ट एरिया है वह आपका जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट का. फिर है आपका मैक्सिमम डेंसिटी है वह आपका दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का. और जो मिनिमम है वह आपका जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट का. ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया और मैक्सिमम डेंसिटी. मिनिमम फॉरेस्ट एरिया और मिनिमम डेंसिटी, तो मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया आपका सरगुजा डिस्ट्रिक्ट, मिनिमम है जांजगीर चांपा. डेंसिटी के अकॉर्डिंग में दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट डेंसिटी ज्यादा है और मिनिमम है आपका जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट का. बहुत सारे बुक में आंसर बहुत सारे दिए गए हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो पीएससी और व्यापक जो आंसर ले रही है वो इसी फैक्ट के हिसाब से ले रही है, तो मैं आपको यही वाला डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन कि क्लासिफिकेशन कौन कौन से बेसिस पे छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट में किया जा सकता है. ठीक है, तो एक तो आपका बेसिस है एज पर द वेजिटेशन, एंड सेकंड है एज पर द फॉरेस्ट लॉ. फॉरेस्ट लॉ भी होता है, उसके बेसिस पे भी फॉरेस्ट को दो तीन टाइप पे डिवाइड किया जाता है.
ठीक है, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन भी होता है कि कौन से एरिया पे फॉरेस्ट है तो वो कौन से क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। तो एक एक करके देखते हैं कि क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे हुआ जाता है। तो फर्स्ट आपका क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन। छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। ओके, फर्स्ट वन इज द साल फॉरेस्ट, दिस साल फॉरेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट एरिया एंड ये जो है मेनली नॉर्थन छत्तीसगढ़ और जो है सदर्न छत्तीसगढ़ को कवर करती है। जैसे बस्तर को आइलैंड ऑफ साल फॉरेस्ट भी बोला जाता है। ये जो साल फॉरेस्ट है इसका ये जो है आपका स्टेट ट्री भी है, साल जो ट्री है वो आपका स्टेट ट्री है, ठीक है। साइंटिफिक नेम है इसका सोरिया रोबस्टा, ये आपका साइंटिफिक नेम है साल ट्री का। इससे जसपुर धापर फॉरेस्ट भी बोला जाता है, जसपुर धाप फॉरेस्ट। टोटल एरिया है वो है आपको अबाउट 40% एरिया कवर करता है साल फॉरेस्ट। एंड बस्तर इज कॉल्ड आइलैंड ऑफ साल फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये है आपका साल फॉरेस्ट के बारे में कि साल फॉरेस्ट इज स्टेट ट्री, 40% एरिया इज कवर्ड बाय साल फॉरेस्ट। सोरिया रोबस्टा इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ साल फॉरेस्ट। इट इज आल्सो नोन एज द जसपुर धाप फॉरेस्ट एंड बस्तर इज नोन एज द आइलैंड ऑफ साल फॉरेस्ट, ठीक है। इट इज मेनली फाउंड इन द नॉर्दर्न एंड द सदर्न छत्तीसगढ़, ठीक है। इट इज चीफली फाउंड इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न छत्तीसगढ़। तो ये था आपका साल फॉरेस्ट के बारे में। सेकेंड हम देखते हैं सॉगन फॉरेस्ट। सेकेंड है आपका सॉगन फॉरेस्ट। ओके, इसका साइंटिफिक नेम है टेक्टोना ग्रैंडिस। टेक्टोना ग्रैंडिस इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ सॉगन ट्री। इट कवर्स 9.42% एरिया ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। 9.42% एरिया ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया कवर्ड बाय सॉगन फॉरेस्ट। चिल्फी वैली एंड कुर्सेल वैली this two valley, Chiffi valley in Kavarda district and this Kursail valley in Narayanpur district, this two valley is famous for sagwan tree and the best quality of sagwan tree, that is a Burma sagwan, is found in Chiffi valley and the Kursail valley. Okay, so this is second one is the sagwan forest. Third one is the mixed forest. Total area of the mixed forest is 44% area and another mixed forest are Tendu, Mauha, Gram, ये सारे जो आपके mixed forest के अंदर आते हैं और ये mainly मिलते हैं महानदी basin पे। ठीक है, mainly महानदी basin में mixed forest मिलता है। तो ये तीन था salt, sagwan and mixed forest। Fourth one है आपका bamboo forest। It covers 6.49% area of total forest area of Chhattisgarh, ठीक है। बंबू फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंट यहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी के लिए बहुत ही ज्यादा है क्योंकि उनकी जो लाइवलीहुड है वो मेजरली बंबू फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है। ओके,
एंड सरगुजा डिवीजन एंड कांकेर फॉरेस्ट डिवीजन बेस्ट क्वालिटी ऑफ बंबू दैट इज अ कटन बंबू इज फाउंड इन दिस टू फॉरेस्ट डिवीजन. And here in Chhattisgarh, a 9th variety of bamboo is found. Okay, 9 variety yahan par milti hai. Baas ki 9 variety hame milti hai yahan par. And the fourth point is about 20% of total forest revenue is come from bamboo forest. ओके टोटल फॉरेस्ट रेवेन्यू में 20% पार्ट हमें बंबू फॉरेस्ट से मिलता है. सो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन. तो ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन से हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट को. फर्स्ट है आपका साल फॉरेस्ट, सेकेंड है आपका सागर, थर्ड है आपको मिस एंड द फोर्थ वन इज द बंबू फॉरेस्ट. नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉ, ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेस्ट लॉ फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट. First one is the protected forest, second one is the reserve forest and the fourth one is the open forest. So, एक एक करके इसमें देखते हैं कि उनकी properties क्या क्या है. ठीक है, तो अभी हम देखे थे on the basis of vegetation and now we will see on the basis of forest law. कि forest law के हिसाब से छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट कितने पार्ट में डिवाइड किए गए. फर्स्ट है आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. ओके, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मतलब वो एरिया जहां पर फॉरेस्ट रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन टोटली प्रोहिबिटेड है. ठीक है, वहां पर कोई भी जाके लकड़ी कटाई या वहां से टिम्बर जो है नहीं ला सकता कैसे भी, मतलब वहां से कुछ भी जो है ह्यूमन एक्टिविटी है वो टोटली प्रोहिबिटेड है क्योंकि उसे हमें टोटली जो है कंजर्व करना है इस एरिया को. ठीक है, तो ये था आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. इस दिस इंक्लूड द 44% एरिया ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ छत्तीसगढ़. ठीक है, तो ये है आपका जो है 44% एरिया को कवर करता है जो है आपका 25,782 स्क्वायर किलोमीटर. Reserve forest is a 40% area and the total area is 24086 square kilometer. So, ये जो reserve forest होता है, इसमें क्या होता है कि some kind of human activity, some kind of exploitation of the forest resources is allowed on the basis of license and permit. ठीक है, तो forest resource को हम use कर सकते हैं in reserve forest में. From reserve forest, forest resources can be used on the basis of license or permit. ठीक है, government से भी special permit और license लेना पड़ता है in area in forest ये जो forest area वहाँ से exploitation करने के लिए forest resources का. Third one है आपका open forest. As the name suggests कि यहाँ पर कोई भी permission नहीं होता, कोई भी license नहीं लेना पड़ता. कोई भी परमिट नहीं लेनी पड़ती यहाँ के फॉरेस्ट रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए. एंड दिस कंप्राइज 16% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया व्हिच इज 9954 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया. ठीक है, तो ये था आपका ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेस्ट लॉ कि फॉरेस्ट को जो है तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक है आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो 44% एरिया है, फिर आपका रिजर्व फॉरेस्ट, उसके बाद आपका ओपन फॉरेस्ट. ठीक है, तो ये सेकंड क्लासिफिकेशन था छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट का. थर्ड है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन. अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस
छत्तीसगढ़ फॉल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. फर्स्ट इज द एरिड ट्रॉपिकल, देन डेसिड्यूअस फॉरेस्ट, एरिड ट्रॉपिकल एंड डेसिड्यूअस फॉरेस्ट, एंड द सेकंड इज द एरिड ट्रॉपिकल ड्राई डेसिड्यूअस फॉरेस्ट. This one covers 48% area. Okay, and mainly includes northern and southern Chhattisgarh. Sal and Sogan forests comes under एरिड ट्रॉपिकल डैम डेसिड्यूअस फॉरेस्ट. ठीक है, तो ये जो है नॉर्दर्न और सदर्न छत्तीसगढ़ को कवर करता है. साल और सॉगन फॉरेस्ट जनरली नॉर्दर्न और सदर्न छत्तीसगढ़ में पाया जाता है. उसकी वो जो साल और सॉगन फॉरेस्ट है वो एरिड ट्रॉपिकल डैम डेसिड्यूअस के अंदर आता है. और ये जो 48% ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया को कवर करता है. सेकेंड है आपका एरिड ट्रॉपिकल ड्राई डेसिड्यूअस फॉरेस्ट. दिस वन इज मेनली कवर एरिया ऑफ महानदी बेसिन. टोटल एरिया में 52% ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया इज कवर्ड बाय एरिड ट्रॉपिकल ड्राई डेसिड्यूअस फॉरेस्ट एंड इट इंक्लूड्स मेनली अ मिक्स्ड फॉरेस्ट. अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफी द छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. फर्स्ट वन इज द एरिड ट्रॉपिकल डैम डेसिड्यूअस फॉरेस्ट एंड द सेकंड वन इज द एरिड ट्रॉपिकल ड्राई डेसिड्यूअस फॉरेस्ट. एरिड ट्रॉपिकल डैम डेसिड्यूअस फॉरेस्ट में आपका साल और सॉगन फॉरेस्ट आता है एंड ड्राई डेसिड्यूअस फॉरेस्ट में आपका मिक्स्ड फॉरेस्ट आता है. ठीक है, तो ये था आपका तीन रीजन. फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेस्ट लॉ, एंड द थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफी. ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा. नेक्स्ट हम देखेंगे अबाउट द नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो गवर्नमेंट के और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट हैं. ठीक है, उनके बारे में. ओके, थैंक यू.